हमारे घर छोटा बच्चा आया, देखो छोटा हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वाला जो वीडियो है शनिवार वाले दिन का है, यानी कि शाम से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। और रात को मैं बना रही थी नमकीन चावल आलू प्याज वाले, और साथ में थी गट्टे की सब्जी जो कि मैंने ना चावलों में मिक्स करी थी, क्योंकि गट्टे की सब्जी बची हुई थी, कल मैंने शुक्रवार था तो मैंने रात को बनाई थी। और मॉर्निंग में बस सुबह बच्चे ही लेके गए थे, बाकी उसके बाद हम लोगों ने सब्जी खाई नहीं, तो वो ऐसे ही रखी हुई थी। और कोई भी सब्जियों में वेस्ट नहीं करती हूँ मैं, चावलों में ना मिक्स कर लेती हूँ, नमकीन चावल हो या आटा गूंदना उसमें मिक्स कर लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे चावल। तो उसमें मैंने बस मसाले भी मिक्स कर दिए थे, नॉर्मल से मसाले जो होते हैं नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, और देगी मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि दूसरी वाली जो मिर्च होती है ना वो मैं कम डालती हूँ, कई बार दिल करता है तो ज़्यादा डाल लेती हूँ। और यहाँ पर बस चावल बनने रख दिए थे, तो चावल भी हमारे बन गए थे, दोनों बच्चों की प्लेट मैंने लगा दी है। और आप लोग भी ना ट्राई ज़रूर करना, कोई भी सब्जी बचती हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे यूज़ कर लेनी चाहिए। तो चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। और अभी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई थी, तो बस सुबह 8:30-9 बजे का टाइम हो गया था, नहावा ली थी मैं, चाय भी रख ली थी बनने के लिए, और अब गूंद लूँगी आटा। बच्चे दोनों ना अभी अंदर सोए हुए हैं, तो अभी संडे है तो इसलिए फिर बच्चे थोड़ा लेट ही उठते हैं। वैसे तो संडे को मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ, क्योंकि संडे को इतनी टेंशन नहीं होती ना कि बच्चों ने स्कूल जाना है, खाना बनाना है। वैसे तो हम लोगों का डेली जो टाइम होता है 5:15 उठने का होता है, पर संडे को थोड़ी सी टेंशन कम हो जाती है। और कई बार फिर संडे को जब नाश्ता बाहर से आना हो तब तो और भी ज़्यादा टेंशन कम होती है, पर लेकिन जिस दिन नाश्ता घर पे बनना होता है तो फिर मैं थोड़ा टाइम से ही उठ जाती हूँ, क्योंकि संडे को इनकी छुट्टी नहीं होती, इन्होंने भी काम पे जाना था। तो बस यहाँ पे अभी मैं आटा वगैरह गूंदूंगी, क्योंकि आज मुझे बनानी नाश्ते में मिस्सी रोटी, तो मैंने यहाँ पे आटे में ना प्याज और हरी मिर्च नहीं वो लाल मिर्च हो गई थी तो उसको मैंने काट लिया था, और साथ में बेसन के जो गट्टे थे वो मैंने थोड़े से रख लिए थे, क्योंकि मैंने रात को ही सोच लिया था कि मैं ना मॉर्निंग में जो मिस्सी रोटी बनाऊंगी बेसन के गट्टे डाल के, बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे। अगर आपके भी कोई सब्जी बच जाए ना तो आप लोग भी ऐसे यूज़ कर सकते हो फेंकने की बजाय, क्योंकि सब्जी वगैरह हमें फेंकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए अगर मेरी तो कोई भी सब्जी बच जाती है तो मैं चावल में भी मिक्स कर देती हूँ, रोटी में भी मिक्स करके मिस्सी रोटी बना लेती हूँ। तो जो बच्चे नहीं खाते ना कोई सब्जी या कुछ, पर मेरे बच्चे हैं वो अधिकतर अब ना सारी सब्जी खाने लग गए हैं, पर होता है ना कि भाई स्कूल भी ले गए वैसे भी खा ली तो फिर मन नहीं करता खाने का, तो इसलिए फिर मैंने आटे में गूंद दी थी। तो यहाँ पर बस बेसन वगैरह मिक्स कर दिया था, बाकी जो मसाले होते हैं नॉर्मल वही नमक मिर्च हल्दी ये सब डाल। और सबसे मेन चीज़ है जो हमें इसमें डालनी है वो है थोड़ा अचार का मसाला, वो 1.5 चम्मच इसमें डालना है, और इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है आटा गूंदते टाइम जब हम इसमें डालते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, आप लोग घी भी डाल सकते हो तेल भी डाल सकते हो, मैं तेल ना पका के ही रखती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो परौंठियाँ वगैरह वो तेल में ही बनाती हूँ, मैं रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती, आप लोगों को पता ही है, तो तेल से बहुत अच्छी परौंठियाँ बनती है। तो बस आटे को ना मैं अच्छे से अभी मसल रही हूँ, क्योंकि जो गट्टे थे वो थोड़े थोड़े से गुठलियाँ सी थी वो मैं उसको हाथों से ही मसल लिया था। तो बस अब इसका एक सॉफ्ट सा आटा गूंदना है, ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंदना, तो बस आटा वगैरह गूंद लूँगी अभी मैं। और अभी आटा वगैरह गूंद लिया था मैंने, तो अभी इस पर ना थोड़ा सा तेल लगा के रख दूंगी, क्योंकि आटा गूंदने के बाद मैं घी या तेल लगा के रखती हूँ ताकि आटा ना सॉफ्ट रहे जब तक रोटी वगैरह बनानी होती है। तो बस अभी इसमें चाय में दूध वगैरह भी डाल दूंगी मैं, और जाके फिर दोनों बच्चों को उठाऊँगी, क्योंकि उनको भी संडे के दिन छुट्टी नहीं होती ट्यूशन की, ट्यूशन जाना होता है, तो इसलिए फिर टाइम से बच्चों को उठा दूँगी, 12 बजे के करीब उनको ना ट्यूशन वगैरह जाना होता है।
और अभी बस बना लूँगी मैं परौंठिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें मैंने तेल भी डाला था और बहुत टेस्टी बनी थी ये वाली परौंठिया ना, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इसमें अचार का मसाला भी डला हुआ था और जो सब्ज़ी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो गया था। ऐसी कोई भी सब्ज़ी बचती है या मैं चावल वाली परौंठी बना लेती हूँ, कभी ये मिस्सी वाली बना लेती हूँ, हमारे घर में सब खुश हो के खा लेते हैं। तो यहाँ पर बस सब ने खा लिया था और मैं तो अचार के साथ खाती हूँ, तो मैंने मिर्च का अचार लिया था, साथ में परौंठी, साथ में चाय, बहुत टेस्टी लगती है खाने में मिस्सी रोटी। आप लोग भी ना ज़रूर बना के देखना इस तरीके से। वैसे बहुत से लोग बनाते होंगे, पर जो नहीं बनाते, जिनको नहीं पता और जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेगी। तो बस यहाँ पर रसोई वगैरह क्लीन कर रही थी मैं, और ये देखो कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। मैं खिड़की ना खोल लेती हूँ जब खाना वाना बनाती हूँ, और ऊपर का भी शीशा ना टूटा हुआ है तो बहुत धूल मिट्टी आती है, तो मैं फिर एक दो दिन छोड़ के ना कर देती हूँ यहाँ से साफ़। माइक्रोवेव के ऊपर से तो डेली ही साफ़ करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना गंदा सा लगने लग जाता है धूल मिट्टी वगैरह, तो इसलिए फिर मैं साफ़ कर देती हूँ यहाँ से। और अभी रसोई वगैरह क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं अंदर, क्योंकि अभी है ना यहाँ से बिस्तरे वगैरह भी उठाने थे, और आज बच्चों की छुट्टी है, तो आज सच में बच्चे इतने ज़्यादा छुट्टी वाले दिन बहुत तंग करते हैं। और याना को देख लो, उसकी मस्ती हो गई है चालू, मुझे बिस्तरे बिल्कुल भी उठाने नहीं दे रहे थे। आप लोग खुद ही सुनो कि वो मुझसे क्या करने की जिद कर रही है। हमारे घर छोटा बच्चा आया, देखो छोटा। बच्चों की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आज दोनों की छुट्टी है, परेशान करे यार। कावे को फोन करे, कावे पापा होते तो करते ना, याना से नहीं हो रहा, चल ऐसे 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 हाँ, ताकि मेरे काम को देर हो जाए। चलो जल्दी गद्दा ऊपर रखवा, चल। याना ने अपने भाई को गिरा दिया और कहा जाके गिरा भाई जा, भाई जा, भाई को गिरा। पतलू सी याना, और ताकत देख लो जरा याना, नहीं मारना नहीं है, प्लीज अब मुझे गद्दा हटाने दो, झाड़ू लगा दो ना, पागल नहीं बैठी हुई है गद्दे पे, गद्दा थोड़ा उठाया जाएगा, गद्दा नहीं ये चद्दर। नहीं आना मम्मा थक गई, अरे नहीं जल्दी नहाओ, चलो बेके करके भाई अपने आप करेगा। बाहुबली आया जो अकेला उठाएगा, उठाया जाएगा बाहुबली। अरे प्लीज हट जाओ, काम करने दो, चली चली याना लग जाएगी। चलो बस खेल लिया ना, चल याना चंदर टाइम उसे क्या कर रही है याना, बस मजे आ गए ना, चलो। और अभी दोनों बच्चे ना ट्यूशन से आ गए थे, तो कावे ना आते हुए अपने लिए हर्शीज वाला पैकेट लेके आया था, तो बस यहाँ पे दोनों बच्चों को बना के दूंगी हर्शीज वाला दूध। और याना इतनी खुश हो रही थी, हर्शीज वाला दूध पीना था उसने, तो पहले ना मैंने थोड़ा सा ना पानी डाल के चीनी घोल ली थी, क्योंकि डायरेक्ट हम चीनी डालते ना तो वो फिर ढंग से होती नहीं है, उसमें घुलती नहीं है, तो बस चीनी वगैरह घोल के उसमें दूध डाल दिया मैंने, और साथ में डाल दूंगी हर्शीज। और गर्मियों में तो बच्चों के मज़े हो जाते हैं, कभी हर्शीज वाला दूध कावे को बड़ा अच्छा लगता है, रूबजा वाला भी पी लेता है, पर वो मैंगो शेक वगैरह ना कम पीता है, तो इसलिए फिर मैं ना घर पे बना के दे देती हूँ। और कभी ओरियो वाला, कभी तरह तरह के ना शेक बना के बच्चों को दे दो तो घर पे सही रहता है, बाहर से तो वैसे ही इतना महंगा मिलता है, और घर यही चीज़ें वो बाहर डालते हैं जो हम घर पे बना सकते हैं। और यहाँ पे दोनों के दोनों चॉकलेट खा रहे थे, बोल रहे थे खाने के लिए, और कावे मुझे बोल रहा था मम्मी आप भी खाओ, मैं ये चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टॉफ़ी चॉकलेट, मेरे को अब बीपी मेरा जो लो रहने लगे उस वजह से मुझे चॉकलेट खाने पड़ते, नहीं तो मेरी शुरू से ही बचपन से ही आदत नहीं है, मुझे चिप्स वगैरह ये सब बहुत कम मैं खाती हूँ। और तो बस दोनों बच्चों के लिए बना दिया था दूध। यहाँ पे ना ये जो रेड वाली आप बोतल देख रहे हो, याना को कंजक पे मिली थी, और जो दूसरी वाली है वो कावे को मिली थी उसके बर्थडे पर, तो दोनों ने अपनी अपनी निकलवा ली थी, तो बस दोनों का बना लिया है दूध यहाँ पे, अब दोनों इन्जॉय करेंगे ठंडा ठंडा दूध।
तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो का अब यही एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। बाय।